हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है पार्ट ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप चैनल पे नए हो जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना टॉपिक की ओर चलते हैं पार्ट ट्वेंटी वन पार्ट ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिस पार्ट कंटेंस प्रोविजंस दैट एड्रेस द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ सर्टेन स्टेट्स एंड रीजन विद इन इंडिया इस्पेशली दोज़ विद यूनिक कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स इस इक्कीसवें पार्ट में जो है इसमें टेम्प्री ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं स्टेट्स के लिए और ये उनकी मतलब स्टेट रिया को मद्देनज़र रखते हुए उनके ट्राइबल एरियाज को या ट्राइबल पीपल जो हैं औरिजन्स के लिए रखा गया है इस प्रोविज़न इस पार्ट ट्वेंटी वन में आर्टिकल थ्री सेवेंटी भी था जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ पार्ट ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है इस पार्ट में विच आर्टिकल गिव्स टेम्प्री पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सर्टन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट को टेम्प्ररी पावर देता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी नाइन विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट्स एब्रोगे आर्टिकल थ्री सेवनटी जम्मू कश्मीर को हुआ करता था लेकिन अब नहीं है इन 2019 नाइनटीन फाइव फिफ्थ अगस्त को ये रिमूव किया गया था विच आर्टिकल डील्स विद स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल थ्री सेवनटी वन ए

Which articles are related to Andhra Pradesh and Telangana? Articles 371d and 371e. Which article provides for a central university in Andhra Pradesh? Article 371e. Which article deals with special provisions for SCIM? Article 371F. What's the focus of Article 371G as special provisions for Mizoram Kelly? 371G. Which article gives the governor of Arunachal Pradesh special responsibility for? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एच के मुताबिक गवर्नर को ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादी है विच आर्टिकल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर गोवा गोवा के लिए थ्री सेवेंटी वन आई थ्री सेवनटी वन गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है थ्री सेवनटी वन स्पेशल प्रोविजन्स फॉर गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए है ये विच आर्टिकल एड्रेस द हैदराबाद कर्नाटका रीजन इन कर्नाटका आर्टिकल थ्री सेवनटी वन जे एड्रेस करता है हैदराबाद कर्नाटका रीजन डज आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए अप्लाई टू नागालैंड कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स यस ये नागालैंड में जो नागाज़ पीपल हैं ट्राइबल लोग हैं वो जो कस्टमरी लॉज उनके हैं अपने उनके मुताबिक ही वो काम करते हैं कैन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड डिसाइड इफ पार्लियामेंट्री लॉज अप्लाई टू दियर स्टेट्स यस उनके जो कस्टमरी लॉज हैं और प्रोसीजर्स उन्हीं के मुताबिक वो चलते हैं वॉट स्पेशल कमिटी इज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल थ्री वन बी इन आसाम A committee consisting of members from tribal areas. Assam already a tribal state. Tribal. Next day. Who has the authority to make special provisions for the hill areas of Manipur under Article 371c? The President of India. What is the purpose of Article 371d in Andhra Pradesh and Telangana? To ensure equitable opportunities in public employment and education. अंडर आर्टिकल थ्री सेवनटी वन एफ हुर प्रोटेक्ट इन स्किम लॉज इन फोर्स बिफोर स्किम्स इंटेग्रेशन इन ट इंडिया जो स्किम में पहले कानून थे जब ये इनका विलय नहीं हुआ था भारत में ये इंटेग्रेट नहीं हुए थे उससे पहले जो लॉज थे वो आर्टिकल थ्री सेवनटी वन एफ में प्रोटेक्टेड हैं जो चलते थे Can the Mizoram Legislative Assembly decide on the application of parliamentary laws in Mizoram? Yes. Under Article 371 G.

जस्लेटि असेम्बली में वट डज आर्टिकल थ्री सेवनटी वन जे एस्टबलिश फॉर दैदराबाद कर्नाटका रिजन ए सपरेट डेवलपमेंट बोर्ड विच आर्टिकल इंश्योरस इक्विटेबल फंड एलोकेशन फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन आर्टिकल थ्री सेवनटी वन जे अंडर विच आर्टिकल डागालैंड लेजिस्टिव असेंबली हैव द पावर टू डिसाइड ऑन ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड आर्टिकल थ्री सेवनटी वन एताबिकिप ऑफ लैंड एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड होता है वो डिसाइड करती है नागालैंड की लेजिस्टिव असेंबली के पास ये पावर है डज आर्टिकल थ्री सेवनटी वन सी इंक्लूड ए प्रोविजन फॉर ए स्पेशल लेजिलेटि कमिटी फॉर मणिपुर यस आर्टिकल थ्री सेवनटी वन सी के मुताबिक मणिपुर मनीपुर असेंबली के पास है ये पावर वट इज द मैन एम ऑफ आर्टिकल थ्री सेवनटी वन डी इसका सही मकसद में क्या माने हैं मतलब पूरा मकसद क्या है इसका सही मकसद इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉमेंट एंड एजुकेशन अंडर विच आर्टिकल स्कीम लेजस्लेटिव असम्बली हैव स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन थ्री सेवनटी वन एफ स्किम के लिए है नेक्स्ट है विच आर्टिकल एड्रेस द कस्टमरी लॉज एंड ओनरशिप ऑफ लैंड इन मिजोरम आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जी जो उनके अपने कानून हैं उनके मुताबिक ही वो चलते हैं वो ट्राइबल एरियाज ट्राइबल पीपल इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर रोआर्गनाइजेशन एक्ट 2019 बिफोर 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर एक कंट्री इन ए कंट्री था मतलब हमारा जो आइन था जम्मू कश्मीर का वो अलग था और हमारे भारत का आइन अलग था फिर बाद में पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहले बिल पास हुई पाँच अगस्त को और छः अगस्त को लोकसभा में ये पास की गई और प्रेसिडेंट का जो एसेंट था साइन वो नौ अगस्त को आया था अगर कभी कभार ये बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा में कब पास हुई राज्यसभा में कब पास हुई प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कब किए या आया था और इफेक्टिव डेट कब से लागू है ये इकतीस अक्टूबर दो को लागू हुआ था इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए थे एक यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो थैंक यू